अगर आपके जीवन में समस्याएं आ गई हैं तो आप समझ लीजिए एनर्जी बहुत ख़राब हो गई है। जब तक आप एनर्जी को साफ नहीं करेंगे तब तक पूजा पाठ भी फलित नहीं होगा, उपाय भी फलित नहीं होगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान आपकी सारी ऊर्जाओं को साफ कर देता है, ऊर्जा चक्रों को, आभामंडल को साफ कर देता है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान मस्ट है। आप उसकी जगह केवल नमक के पानी से नहा के संतोष कर लेंगे तो आप कर लीजिए संतोष, फिर आप उसके लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसलिए पूरा लाभ उठाइए। आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, जीत लेने वाली एक क्षमता आपके पास है एनर्जी रिपोर्ट के रूप में, आप उपयोग तो कर लीजिए उसको। जो लोग पैसा ना होने की वजह से एनर्जी रिपोर्ट नहीं बनवा पा रहे, मैं एनर्जी रिपोर्ट पे इन दिनों बहुत ध्यान दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जोर दे के आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जिनके पास एनर्जी रिपोर्ट है और उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास समस्याएं नहीं बचने वाली। समस्याएं क्यों हैं? एनर्जी ख़राब है इसलिए, और एनर्जी रिपोर्ट एनर्जी को ठीक करे ले रही है, चाहे ग्रहों की वजह से ख़राब हो, ट्रांजिस्ट की वजह से ख़राब हो, महादशा की वजह से ख़राब हो, दशा की वजह से ख़राब हो, वास्तु की वजह से ख़राब हो, बाधाओं की वजह से ख़राब हो, कोई भी कारण हो, एनर्जी आपकी ठीक हो जा रही। जब एनर्जी ठीक हो जाएगी तो समस्याएं नहीं ठीक, समस्याएं हैं ही, लक्षण हैं, समस्याएं लक्षण हैं आपकी एनर्जी के ख़राब होने के, लक्षण अपने आप गायब हो जाता है जब एनर्जी ठीक हो जाती है। तो आप इसको करिएगा, एनर्जी अपने आप ठीक हो जाए। हर व्यक्ति ऊर्जाओं का विद्वान नहीं है, हर व्यक्ति को नहीं पता है कि आभा मंडल और ऊर्जा चक्र क्या होते हैं। जिनको पता है वो भी तो नहीं ठीक कर पाते। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, उनको जानकारी है पूरी कि आभा मंडल क्या होता है, कैसा होता है, कितनी परतें होती हैं इसकी, कितने चक्र होते हैं, उनके कलर क्या होते हैं, उनमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं किस चक्र में, उनके काम क्या होते हैं चक्रों के, बड़ी जानकारी है इनकी। लेकिन जब उसको ठीक करने की बारी आती है तो ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि ठीक करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसमें कल्पना की जा रही है। इमेजिन करिए कि ये चक्र पे ये एनर्जी आ रही है और ये ठीक हो रहा है, ऐसा उनको सिखा दिया गया किसी विधि में। कल्पना का विषय नहीं है विज्ञान, कल्पना का विषय नहीं है, कल्पना से खोज की जा सकती है, कल्पना से विज्ञान का उपयोग नहीं किया जा सकता। कल्पना ज्ञान से बड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं। कल्पना ही किसी आविष्कार का आधार होती है शुरुआत में, कल्पना हुई कि ये करना चाहिए, ये हो सकता है, उस पर शोध हुआ और वो चीज़ निकल के सामने आ गई, लेकिन कल्पना का रोल वहीं ख़त्म हो गया। अब विज्ञान के उपयोग की बात आई, जब चीज़ बन गई, जब आविष्कार हो गया, तो यहाँ भी आपको कल्पना नहीं करनी, कमांड देना है अपने शरीर को। हाथ आँख नाक मुँह कान आपका कहना मानते हैं ना, कमांड आपकी मानते हैं ना, इसी तरह से ऊर्जा चक्र और आभा मंडल भी आपकी कमांड मानते हैं, बस उनको कमांड देना आना चाहिए। कमांड देने की विधि एनर्जी रिपोर्ट में लिखी हुई है, इसलिए मैं एनर्जी रिपोर्ट पे ध्यान देता हूँ और जोर दे रहा हूँ कि आप प्राप्त कर लीजिए। जिनके पास पैसे नहीं एनर्जी रिपोर्ट बनवाने के, निराश उनको भी नहीं होना है। 51,000 बार ओम नमः शिवाय लिख के भेज दीजिए, हम अपने खर्चे पर आपको एनर्जी रिपोर्ट प्रोवाइड करा देंगे। महासाधना करते रहिए, महासाधना के दौरान आप अपनी कुंडली जागरण कैसे करेंगे? आपके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, कुंडली जागरण रुद्राक्ष या प्रारब्ध रुद्राक्ष, उसको पहन के जब महासाधना करते हैं तो वो कुंडली को ऊपर की तरफ उठाता है, कुंडली की ऊर्जाओं को खींचता है और उसके जरिए कुंडली का जागरण हो रहा है। जो लोग सरलता से करना चाह रहे हैं महासाधना कर लें। महासाधना केवल 10 मिनट की रोज होती है, 24 घंटे में 10 मिनट केवल खर्च करने हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।